हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ए होने वाला है सेकेंड लास्ट एपिसोड और पार्ट फॉर एवर। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पर ना, आप भी जून ने सब कुछ अपने नाम पे कर लिया था। टॉर्च के डेथ के बाद यहाँ पर नया सीईओ बन चुका था। वो यहाँ पर वो सबसे पहला काम क्या करता है, ऑब्वियसली आपने सबसे पहले दुश्मन और कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाना, विच इज टाइम। और यहाँ पर क्या था ना, अगर 2 साल के अंदर अंदर बच्चा भी होगा तो जून का सब कुछ हो जाता है, इसीलिए वो उसे काम से हटा देता है। वैक्सीन जहाँ पर ना टाइम बहुत पागल हो रखा था, और यहाँ पर ना उसे डेंथाई से पता चलता है कि जो अर्जुन है ना, उसे उसका सपोर्ट है सिया कौन, मतलब एक बहुत बड़ा एक गुंडा टाइप का इंसान है, मतलब बहुत बड़ा आदमी सिया कौन, एक गैम्बलर था। और उसे अगर पकड़वाएंगे तो अर्जुन तो ऑलरेडी ऐसे ही टूट जाएगा, ऐसा वो सोचा था। तो यहाँ पर ना डेंथाई उसे बताता है कि जितना आसान समझ रहे हैं लोग, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान है। एंड देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ना सेन, जो पागल हो रखा था यहाँ पर ना, वो उसकी जो पोक है ना, उसकी प्रोड्यूसर उसे ऑलमोस्ट मारने वाला था उससे जाने के बाद, लेकिन यहाँ पर टाइम आ जाता है। टाइम आके उसे इतना दौड़ाता, और यहाँ पर ना उसे पकड़वाता है पुलिस से। सो फाइनली टॉस की जो टॉस का मर्डर था उसकी तो उसे सजा मिल गई। ये सारी न्यूज़ ना टीवी पे आ रही थी। ये सब देखने के बाद टॉस की मॉम, टाइम की मॉम बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है। फाइनली टाइम ने अपने भाई को इंसाफ तो दिलाया। नेक्स्ट सीन जहाँ पर टाइम ना बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, यहाँ पर ना वो अपनी ग्रैंड मम के पास जाके रो रहा था, और वो बोल रहा था कि आप लोगों ने हमेशा मुझे स्पॉइल किया, सारी जिम्मेदारी टॉर्च को मिली और हमेशा मुझे ना फ्रीली छोड़ा, आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसा वो बोल के रो रहा था। और तभी यहाँ पर अब तक तो ग्रैंड मम थी कोमा पे, लेकिन वो कोमा से उड़ जाती है, जिस वजह से टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट किसी का तो मिलने वाला था टाइम को, लेकिन यहाँ पर सरप्राइज फैक्टर, ग्रैंड मॉम अभी ठीक थी। और यहाँ पर ना टाइम बोलता है डॉक्टर को कि किसी को भी पता नहीं चलने चाहिए कि ग्रैंड मॉम उठ चुकी है, वरना चुन तो कुछ भी कर सकता था। देखो टॉर्च चला गया, लेकिन अभी भी सारी राइट्स तो ग्रैंड मॉम के पास थी। अब इसके लिए नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना अभी चुन ने ना एक कंपनी खोलने का जो प्लान ले आया था अपने ऑफिस पे, और आज वोटिंग होने वाली थी। तो अगर वो कंपनी खुलेगा तो एक कंपनी जो इसके पापा और ग्रैंड पापा ने मिलकर बनाया था, सब कुछ तबाह होने वाली थी। तो ग्रैंड मॉम से हेल्प मांगता कि कैसे बचाऊँ मैं कंपनी को। तो यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना, वो लोग वोटिंग करने वाले थे, जैसे होता है ना, सारे इन्वेस्टर और एम्प्लॉय सारे इन्वेस्टर वोटिंग करेंगे, अगर वोट जिस पे वोटिंग ज़्यादा होगी वही होगा। तो यहाँ पर ना ग्रैंड मॉम ना ऐसा आइडिया देती है जिसकी वजह से टाइम को बहुत मदद मिलती है। बेसिकली जितने भी इन्वेस्टर थे, सारे इन्वेस्टर्स के वीक पॉइंट पकड़ लो, कोई इन्वेस्टर का बेटा कमजोरी था तो बेटे को इन्वेस्ट कर लिया, किसी को लड़कियों के साथ घूमना पसंद था तो वो पकड़ लिया, इसी हिसाब से किसी को पुलिस से डर लगता था एम्प्लॉय इन्वेस्टर तो उसको उसी हिसाब से मैनिपुलेट किया। तो ये सारी चीज़ें ना टाइम इतनी क्लेवरली करता है कि मतलब उन्हें आइडिया में नहीं होता कि टाइम किस तरह से किसके साथ माइंड गेम खेला है, लेकिन वो सबके माइंड में ये डर बैठा देता है कि अगर वोटिंग पे हमने चुन का साथ दिया तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन आता है वोटिंग वाला दिन, जहाँ पर एक मोलास कंपनी था जो सियाकोन ने चुन को खोलने के लिए बोला था, तो यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो कोई भी चुन के सपोर्ट में नहीं बोलता, सारे लोग नो बोलते हैं, मतलब जो मोलास कंपनी था ना जिसकी वजह से टाइम की ग्रैंडपा पापा ने मिलकर जो कंपनी बनाई वो डूबने वाली थी, वो खुलने से रुक जाती है। सारे लोग टाइम के फेवर में वोटिंग करते हैं। और यहाँ पर एक एम्प्लॉय था यहाँ का जो टाइम की पूरी तरह से मदद कर रहा था, अब यहाँ पर अब सारे इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर तो वो कंपनी नहीं खुलने वाला था। इस बात की वजह से चुन इतना बौखला जाता है। एक्चुअली उसने ना सबको ओके इसलिए करवाया था, ऐसे लाइक किसी को बहुत बड़ी ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, किसी को कार, ऐसी वजह से। तो नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना डॉक्टर के साथ वो आ रहा था, और फाइनली उसने एक कंपनी खुलने से तो रोक दिया, लेकिन अब फिर से बहुत सारी चीज़ें थी उसे करनी थी कंपनी को बचाने के लिए। लेकिन तब यहाँ पर ना एक गाड़ी आके रुक जाती है, और उसके ऊपर बहुत सारे मेटल के पाइप थे और वो गिर जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं, लाइक कि हमसे गलती हो गई। लेकिन ऑब्वियसली एक गलती जैसा तो नहीं लग रहा था, एज एन ऑडियंस हम लोग समझ सकते हैं। टाइम यहाँ पर इस मोमेंट में नोटिस करता है कि एक आदमी था जिसके हाथ पे एक स्कार था, और यहाँ पर उसे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, मुझे लगता है कि कुछ इंटेंशनली तो नहीं है। एंड देन दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। देखो गाइस, मैंने बहुत सारे सीन थे टाइम और नॉच के जो कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे थे अभी किसी ड्रामे के लिए, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर नॉच के पास आ जाता है। नॉच क्या था ना, टॉर्च की फाउंडेशन मतलब उसकी बॉडी जलाए जाने के बाद बुद्धिस्ट
रिलीजन के हिसाब से वो एक अलग घर पे रहने वाली रहने आ गई थी। तो यहाँ पर बार बार वो उसकी तान की मॉम की देखभाल के लिए चली जाती थी। तो यहाँ पर ना टाइम नॉस के ऐसा टाइम स्पेंड करने यहाँ पर आया हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट तो अब तक नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अभी बॉन्डिंग अच्छी बन रही थी। वो लोग शॉपिंग पे साथ भी आते और यहाँ पर टाइम बहाना ढूंढ रहा था कि नॉज को जाने ना दे, तो नॉज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी क्रिएट हो नॉज के साथ, जो नॉज भी अच्छी तरह से समझ रही थी। शाम को क्या होता है वो भी मैं बता ही देती हूँ। ये लोग जब गाड़ी से आ रहे थे ना, तो क्या होता है ना, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। तो सडनली ब्रेक फेल कैसे हो गया, जैसे तैसे टाइम ना गाड़ी को तो रोक लेता है, तभी यहाँ पर उसका टायर पंचर हो गया था। टायर पंचर होने की वजह से क्या होता है कि वो बारिश भी हो रही थी, तो टायर दो लोग आते और बोलते कि हम कुछ हेल्प करें। तो यहाँ पर ना वो लोग वो बोलते हैं कि ठीक है हेल्प कीजिए, लेकिन तभी टायर नोटिस करता है कि वो इंसान ना वही था जो लास्ट टाइम मेटल वाले पाइप ऑलमोस्ट टाइम पे लगने वाली थी उस टाइम पे था, हाथ पे स्कार था। तो यहाँ पर ना वो लोग बोलते कि नहीं नहीं अभी ज़रूरत नहीं, बोल के वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर ना उसी टाइम पर फाइट स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर टाइम जैसे तैसे उन लोगों से लड़ने लगता है, नॉज बहुत डरी हुई थी। तो यहाँ पर ना नॉज को टाइम बोलता है कि जाओ पुलिस को बुला के आओ, पुलिस से हेल्प मांगो जाओ। और तब यहाँ पर ना नॉज वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर टाइम जैसे तैसे फाइट करता है, नॉज पूरी तरह से हेल्प मांगने की ट्राई करती थी, लेकिन कोई भी नहीं मिलता। तभी कंसर्ट के आ जाती है, तो नॉज भागती हुई आती है, बहुत डरी हुई थी। टाइम को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, टाइम कहीं मतलब टाइम होता है ना जैसे अपने दिल में फीलिंग आती है कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। और रो रही थी टाइम टाइम के बुला रही थी, लेकिन लकीली टाइम को कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो टाइम को गले लगाकर रोने लगती है। तो बाद में पता चलता है कि वो गंजर पुलिस की थी, तो पुलिस आ गई थी, जिस बात की वजह से वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। और उसके बाद ये लोग नॉज के घर पर जैसे तैसे आ गए थे। यहाँ पर आ जाने के बाद डांथा के साथ वो बात कर रहा था, और डांथा को यहाँ पर ना टाइम बताता है कि वो लोग वही थे जो सुबह मतलब जो पाइप वाला ऑलमोस्ट इन दोनों पे लगने वाला था, डॉक्टर इस पे वही वाला। ये सुनने के बाद नॉज बहुत गुस्सा करती है, उसे बहुत बुरा लगता है। इसे तो वो पागल हो गई थी कि गोली कहीं टाइम को गोली ना लगाओ, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। और उसने इतनी बड़ी बात चुपाई, वो उसे मारने लगते हैं, बोलते कि सारी बातें तुम मुझे लास्ट में क्यों बताते हो, मैं आखिरी इंसान क्यों होती हूँ जो सब कुछ जानने के लिए तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कितनी बातें छुपाई, बोल के और रोने लगती है। वो बहुत डरी हुई थी टाइम के लिए। देखो ऐसे भी टॉर्च की जान जा चुकी है, टॉर्च उसका अच्छा दोस्त था और अब उसका प्यार भी उसे दूर चला जाएगा, तो अब कौन सह पाएगा, इसी तरह से नाच का था। तो टाइम यहाँ पर उसे गले लगाकर उसे सॉरी बोलता है, और वो बोलता है कि मुझे डर लग रहा था कि तुम परेशान ना हो जाओ, मतलब होता है ना ज़्यादा सोचने लगोगी ज़्यादा रहोगी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और नॉच उसे गले लगाकर रो रही और बोलती कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती। और यहाँ पर टाइम बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम हो मेरे साथ, तो कौन क्या करेगा मुझे, ऐसा वो बोल रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मनीषा की डेथ हो गई, पुलिस को उसके डेड बॉडी मिल गई पूल के नीचे। तो यहाँ पर टाइम और डांथा पहुँच गए थे। यहाँ पर ना मनीषा के पापा के पास जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का रिवलेशन होता है, जो मैंने भी यहाँ पर स्किप किया था। तो स्पेशली क्या हुआ था ना, मनीषा जब जो चुन था उसके पास पैसे मांगने के लिए चली गई थी, वहाँ पर फाइट हो गई थी और एक्सीडेंट की गोली चल गई और उसको चुन के हाथों उसकी मर्डर हो गई, तो उसने उसे फेंक दिया था। यहाँ पर ना मनीषा के पापा पहले तो टाइम से माफ़ी मांगते हैं, और यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें बता देते हैं, इंक्लूडिंग टॉर्च का क्लिप जो इन्हें वायरल किया था मनीषा ने, उन्हें बताया था ये सारी चीज़ें। सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, ऑब्वियसली डरेगा भी और गुस्सा भी आता है। मनीषा के पापा उसे माफ़ी मांग रहे थे, और यहाँ पर ना वो बोलते कि चुन को जिंदा मत छोड़ना, उसे सजा दो जो उसने किया है उसके लिए। तो यहाँ पर टाइम बोलता है कि ओ मेरी एक दोस्त है अच्छी, मैं उसे ये सब जरूर दिलाऊंगा। इधर नॉज को भी पता चलता है कि मनीषा की डेथ हो गई है, और वो भी खुद बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, मतलब कैसे हो गया अब इन दोनों में, तो वही लास्ट टाइम फाइट के बाद तो प्रॉपरली बात नहीं हुई थी, मुलाकात भी नहीं हुई थी। नेक्स्ट सीन, जहाँ पर नॉज इसी घर पे वो बार बार टाइम की मम को एक बनकर आई हुई थी, टाइम की मम को पता चलता है। देखो गाइज क्या था ना, जब टॉर्च की डेथ हो गई थी तो वो बार बार नॉज को देखने के बाद टॉर्च को याद करती थी, इसीलिए वो नॉज से दूर ही रहती थी। और टाइम और सबके सजेशन की वजह से नॉज ना उनसे दूर रह रही थी, लेकिन वो पूरे ख्याल रखती थी उनका। तो यहाँ पर बोलते कि मैंने बार बार तुम्हें इतना ज़्यादा सुनाया उनसे दूर रहने के लिए, क्या मेरे बेटे से दूर रहने के लिए बोला, क्या तुम अपने और टाइम के रिश्ते को मुझसे मनवाने के लिए सब कर रही हो। तो यहाँ पर नॉज बोलती नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं। तो यहाँ पर बोलती कि तुम यहाँ पर अभी भी क्यों हो, इतना कुछ कैसे सह रही हो। तो यहाँ पर ना नॉज एक बात बोलती है कि आपकी मॉम ने आपने मेरी मॉम पर मुझे बहुत हेल्प किया था, इसीलिए मैं ना आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपके टॉप टाइम पे आपके साथ हूँ, मैटर नहीं करता कि कुछ भी हो, लेकिन मैं आपकी हमेशा से अच्छे से ख्याल रखूँगी, ऐसा वो बोल रही थी। बेसिकली अब कोई आपके साथ अच्छा करेगा ना, तो उसके साथ भी अच्छा करना आपकी रिलेशनशिप बन जाती है। नॉज की मॉम एक मैनिक्योरिस्ट थी, फिर भी
टाइम की मॉम ने कभी भी उन्हें ऐसे मैनकरेज नहीं एक दोस्त की तरह ट्रीट किया, तो वही अभी वो ट्रीट बैक कर रही है ऐसा वो बोल देती है। सब सुनने के बाद यहाँ पर ना टाइम की मॉम बोलती कि तुम्हें अभी छुपने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसे माफ़ कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब टॉस के डेथ की वजह से उसे सारा ब्लेम मार रही थी, लेकिन अभी वो उसे एक्सेप्ट कर देती है, जिस बात की वजह से नॉज बहुत खुश हो जाती है। तो अब यहाँ नॉज को यहाँ पर छुप छुप के रहना नहीं पड़ने वाला था, उनके ख्याल रखने के लिए छुप छुप के आना नहीं पड़ने वाला था, वो आने वाला था। नेक्स्ट सीन जहाँ पर जब मरीसा की डेथ वाली बात पता चलती है ना, तो उनको वो पागल हो जाता है। घर पे वादी को तो डाउट हुआ था, क्योंकि वादी को पता था कि मरीसा उसकी मिस्ट्रेस थी, तो वो यहाँ पर ऑफिस पे आता है और वो पागल की तरह सियाकॉन को कॉल करके बोलता है कि ये सब हुआ मेरे हाथों, तो मुझे हेल्प करो। यहाँ पर सियाकॉन बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए 50 मिलियन, तब 50 मिलियन नहीं 20 मिलियन, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उस जो सियाकॉन का एक मैनेजर था वो बोल रहा था कि आप उसे इतने पैसे क्यों मांग रहे, तो वो बोलता है कि वो कुछ भी करेगा अभी उस वो ऐसे सिचुएशन में। यहाँ पर ना वो क्या करता है ना, वो पैसे लेने के लिए चला गया था, लेकिन अभी सारू उतरवादी वहाँ से भाग चुके थे पैसे लेकर, और उसे पता चलता है सारू उतरवादी के बारे में। यहाँ पर ना ऑलमोस्ट सारू को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर टाइम और डेंथ भी वहीं पर आए हुए थे सारू वो चुन के पीछे पीछे, और वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर देती कि चुन वहाँ से भाग गया था। और उसके बाद यहाँ पर वो लोग वादी और सारू को एक जगह पर ले जाते, पुलिस का सेफ हाउस था। और यहाँ पर आ जाने के बाद वो बोलते कि यहाँ पर चुन और उसके आदमी कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। वो बोलता है सारू कि तुम लोग हमारी हेल्प क्यों कर रहे, तो यहाँ पर टाइम बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यहाँ पर सारू पहले तो मना कर रहा था, तो यहाँ पर ना टाइम बोलता है कि तुम्हें आइडिया दे उसने क्या किया, क्या है मेरे भाई के क्लिप लिख किया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई है, अब मरीसा भी मारा और तुम उसके सबॉर्डिनेट हो, तुम्हें सब कुछ पता है उसके बारे में, फिर भी अभी भी उसे क्यों बचा रहे हो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसा वो बोल देता है। एंड अब इसके बाद क्या करेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो आज इस स्टॉप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी, अगर आती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।